सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 26 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूले। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 एकड़ में बना नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है, और कहां बना है? इंडिया गेट के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यह वॉर मेमोरियल उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी। यानी कि जो वॉर मेमोरियल है, ये उन जवानों के प्रति सम्मान का सूचक है जिन्होंने की रक्षा के लिए अपनी जान दी। वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में 176 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था। यानी कि इंडिया गेट के पास जो ये वॉर मेमोरियल तैयार हुआ था, ये हुआ था 176 करोड़ रुपए की लागत से। वॉर मेमोरियल का प्रस्ताव 1960 में आया था। मोदी सरकार ने 4 साल पहले इसके निर्माण को मंजूरी दी थी। यानी कि मोदी सरकार ने वॉर मेमोरियल की 4 साल पहले इसके निर्माण को मंजूरी दी थी। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2019 के लिए ग्रीन बुक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। यानी कि 91वें अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2019 के लिए ग्रीन बुक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की फिल्म पीरियड एंड ऑफ द सेंटेंस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्टेस्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर मिला है। 91वें अकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2019 में ये अवार्ड्स कुल 24 कैटेगरी में दिए गए। इस बार ये ऑस्कर अवार्ड्स कॉमेडियन केविन हार्ट होस्ट करने वाले थे, लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने T20 इंटरनेशनल में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए। यानी कि T20 इंटरनेशनल में 50 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जसप्रीत बुमराह से पहले ऑफ स्पिनर अश्विन ये कारनामा कर चुके हैं। यानी कि जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है स्पिनर अश्विन, जिन्होंने 52 विकेट लिए हैं। जसप्रीत बुमराह इस फॉर्मेट में सबसे कम मैच खेलकर 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। बुमराह का 50वां शिकार पीटर हैंडस्कॉम्स बने थे। भारतीय कप्तान कोहली T20 इंटरनेशनल में किसी एक देश के खिलाफ 500 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशिद खान T20 में लगातार 4 गेंद पर 4 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। यानी कि राशिद खान दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने T20 में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राशिद खान T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लगाने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए। राशिद खान से पहले ब्रेटली, जेकब ओरम, टीम साउदी, तिसारा परेरा, लथिस मलिंगा और फहीम अशरफ हैट्रिक ले चुके हैं और 7वें नंबर पर है राशिद खान। राशिद खान ने T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले अफगानी खिलाड़ी बने। राशिद खान से पहले 2007 में वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 4 गेंद पर 4 विकेट लिए थे। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस देश की तातियाना बकलचुक दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई, यानी कि तातियाना बकलचुक दूसरी सबसे अमीर महिला बन गई और कहाँ की रहने वाली है? रूस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तातियाना बकलचुक रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वोल्डवियर्ज की फाउंडर और सीईओ है। रूस की पहली अरबपति महिला एलेना बाटुरिना है। आइए जान लेते हैं रूस के बारे में। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूसियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोल्दोवा के राधु एल्बर्ट ने डेलरे बीच ओपन 2019 का खिताब जीता है, यानी कि राधु एल्बर्ट ने डेलरे बीच ओपन 2019 का खिताब जीता है और ये कहाँ के रहने वाले हैं? मोल्दोवा के। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। राधु एल्बर्ट ने एटीपी टूर्नामेंट जीतने वाले मोल्दोवा देश के पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए। एल्बर्ट ने फाइनल में ब्रिटेन के डेनियल इवांस को हराया था। आइए जान लेते हैं मोल्दोवा के बारे में। प्रेसिडेंट है लगोर दोदोन, कैपिटल है चिसिनाव और करेंसी है मोल्दोवन ल्यू। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है, यानी कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को और किसने? भारत के गुजरात राज्य ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं गुजरात के बारे में। कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। तो ये थी गुजरात से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर चोरी के मामलों से निपटने हेतु एक अलग निदेशालय की स्थापना की, यानी कि कर चोरी के मामलों से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एक अलग निदेशालय की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। कैपिटल है कोलकाता, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। तो ये थी पश्चिम बंगाल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यह समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।